मैं खादिम हुसैन असिस्टेंट डायरेक्टर टूरिज़्म। यहाँ ये गोराशी लेक में हम आए थे। यहाँ पर हमारा एक प्रोजेक्ट आया हुआ है जिसके लोकेशन देखने के लिए और यहाँ पर क्या क्या चीज़ें डेवलप करना है। ये खरमंग का बहुत खूबसूरत पॉइंट है। रोड और वो ट्रैक न होने की वजह से ये थोड़ा सा लोगों की नज़रों से ओझल है, लिहाजा इसको हम डेवलप करके एक तो हम इस ट्रैक को डेवलप कर लेंगे, दूसरा जो है यहाँ पर हम व्यू पॉइंट्स बनाएंगे, तीसरा यहाँ पर इसके जो डस्टबिन वगैरह हम इंस्टॉल कर लेंगे। उसके साथ यहाँ पर जो है ये गोराशी लेक है, ट्रैक है, ट्रैक के लिए बेहतरीन जगह है। खरमंग में बहुत ही कम एरिया जगह ऐसी हैं जिन जहाँ पर टूरिस्ट आसानी से आ सकते हैं, उनमें से एक जगह ये है। तो इंशाल्लाह हम इसको फर्दर भी इसमें जो है डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे। इसके अलावा अभी जो रिसेंटली हम इस पर इस ट्रैक को डेवलप कर लेंगे और यहाँ पर हम ये हट वगैरह बनाएंगे। ये नेचुरली तौर पर, कुदरती तौर पर ये बहुत ही खूबसूरत एरिया है। इसके बाद इस तरह की जो लेक है यहाँ पर बहुत ही कम है जहाँ पर टूरिस्ट के एक्सेस हो। ये नेचुरल लेक है, यहाँ पर हर वक्त पानी साफ़ सुथरा पानी रहता है। यहाँ पर मछलियाँ, ट्रोट, फिशेस वगैरह भी हैं और यहाँ पर जो है सस्पुल सेब का भी यहाँ पर दरख्त हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मेरा नाम मोहम्मद हसन अंसारी है, मेरा ताल्लुक मंडोखा से है और बेसिकली हमारे खरमा में बहुत सारे झील हैं। हर जो ना नालों में चार पांच झीलें होते हैं और बहुत सारे खूबसूरत जगह है, लेकिन वो आम सयाह से जो ना पहुँचने से दूर है। और ऐसे लाइक एक ऐसा है यहाँ पे आप हर जो ना उससे यहाँ पे आ सकता है आराम से। यहाँ पे बहुत वह सहूलियत है आने के लिए तो, लेकिन ये थोड़ा जो ना रास्ता थोड़ा ख़राब है, ट्रैक थोड़ा ख़राब है, इसको जो ना बनाने की ज़रूरत है। और ये जो ना गुरश है वो है आबादी है, यहाँ पे सेब भी है और इसकी तरह यहाँ पे घूमने के लिए जगह भी हैं, बहुत सारे मौके हैं यहाँ आने के लिए। और यहाँ पे देखो मेरे आँख में आप जो ना देख सकते झील कितना खूबसूरत है। अभी तो खैर इस वक्त पानी कम है, गर्मियों में यहाँ जो पानी जो ना ऊपर तक आ जाता है तो ये बिल्कुल खूबसूरत हो जाते हैं। और यहाँ पे आने के लिए आपको इतना दूर भी नहीं है। यहाँ पे एक लाफो चिथर की जो ना नाम से एक मर्दन है जो बिल्कुल हमारे जान की तरह बिल्कुल वो है। उस पर जो ना अंगुली के भी वो भी है निशान भी है और घी जो ना लगाने का वो भी बना है। और ये एक वो भी है गेट भी बना हुआ है, यहाँ पे गेट है बिल्कुल खूबसूरत से जो ना हमारे आँखों में आप जो ना नज़र आते हैं। तो इस तरह यहाँ पे बहुत सारे आने के लिए लोगों को जो ना खींचने के लिए मौके ज़्यादा हैं और पोटेंशियल भी है। अगर लोग यहाँ पे आना चाहते हैं तो ये बहुत खूबसूरत है। खरमंग बहुत खूबसूरत एरिया है, यहाँ पर जो मुख्तलिफ झील, इसके बाद वाटरफॉल के लिए बहुत मशहूर है। गोराशी लेक जो टूरिस्ट पॉइंट है, करीब तरीन यानी टूरिस्ट पॉइंट है जहाँ पर टूरिस्ट आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। ताकि इस एरिया को डेवलप करने के लिए टूरिज़्म डिपार्टमेंट की तरफ से एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है जिसको हम इंशाल्लाह इस साल यहाँ पर डेवलप, एक तो ये ट्रैक डेवलप कर लेंगे, दूसरा यहाँ पर हम व्यू पॉइंट्स डेवलप कर लेंगे, उसके साथ हम डस्टबिन्स लगाएंगे। क्योंकि यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं तो यहाँ पर इसकी जो खूबसूरती को नुकसान पहुँच जाता है, इस वजह से हम चाहते हैं कि इसको टूरिस्ट के आने से पहले हम वो इंतज़ाम कर लें ताकि इसकी अपनी कुदरती जो है हुस्न बरकरार रहे। यहाँ पर फैसिलिटीज़ को हम इम्प्रूव करना चाहते हैं तो लिहाजा यहाँ पर जो है इस ट्रैक को डेवलप के साथ साथ हम यहां पर वॉशरूम फैसिलिटी भी प्रोवाइड करना चाहते हैं ताकि इस यहां पर जो टूरिस्ट आए वो उससे फैसिलिटेट हो जाए। अज़ुबिल्लाह मिन शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं खपलू से यहां घूमने के लिए आया हूं। यहां मेरे पीछे आप देख सकते हैं गुंदुस लीक है, बहुत प्यारा लीक है, लेकिन अभी सर्दियाँ होने की वजह से अभी पानी बहुत कम है, बहुत नीचे लेवल पे हैं। अगर आप लोग देख सकते हैं तो कैमरामैन दिखा सकें तो वो काली काली जो एक कलर पड़ी हुई है ये फुल साई, फुल जब पानी होता है तो सबसे ऊपर वाला लेवल ये ऊपर वाला है तो उस हिसाब से ये सारा यहाँ तक भर जाता है। तो ये बहुत प्यारा यानी लेक है, झील है। तो हम लोग आते हुए रोड का थोड़ा सा इशू था, रोड यहाँ अवेलेबल नहीं है तो ट्रैक भी खस्ता हाल है, कोई ख़ास नहीं है। तो ट्रैक और रोड की बहुत ज़रूरत है
और यही रास्ता इधर से ऊपर जाते हुए गांछे लेक पे भी जा सकते हैं, और गांछे से लोग पुराने ज़माने में उसी रास्ते से ऊपर से आके ये इधर से नीचे से जाके ये गुंदुस नाले में गांव तक जाते थे। तो ये अगर हुकूमत ये इसको रोड को बना दें या ट्रैक बना दें तो ये बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत प्यारी जगह है। यहाँ से गांछे लेक तक का लिंक है, इधर से रास्ता है, गांछे के लिए भी रास्ता है, और पुराने ज़माने में लोग इधर से ही आते जाते थे खपलू और खरमा के लिए, आमदोरफ्त का यही रास्ता था। बहुत शुक्रिया।